क्या आप जानते हैं कि क्यों रामकृष्ण देव की कैंसर हुआ था और क्यों माँ काली ने रामकृष्ण देव को कैंसर से नहीं बचा पाई। रामकृष्ण परमहंस देव की कैंसर को लेकर बहुत सारे मिथ है जो मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। चलिए ठाकुर का कैंसर के पीछे का असली साज आज हम जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कौशिक और आप सबको स्वागत करती हूँ अनसुनी इंडिया पर। चलिए शुरू से शुरू किया जाए। वेस्ट बंगाल के अंदर हुगली जिला का कामरपुकुर में ठाकुर रामकृष्ण एक ब्राह्मण परिवार पर 1836 में जन्म लिया था। माता के नाम चंद्रामणि देवी और पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय था। ठाकुर के असली नाम है गदाधर चट्टोपाध्याय। तपस्या में सिद्धि लाभ करने के बाद उनका नाम रामकृष्ण हुआ है। चलिए अभी कैंसर होने का कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण देव जब किशोर थी उस समय उनके पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय कैंसर से पीड़ित थी। उस समय एक दिन खुदीराम जी बिस्तर में लेटे हुए पानी पीने जा रही थी। तब रामकृष्ण ने अपने पिता के हाथ से पानी का ग्लास छीनकर जमीन पर फेंक दिया था। रामकृष्ण देव का पिता ये देखकर क्रोधित होकर श्राप दिया कि गदाधर, तुम मुझे पानी नहीं पीने दिया, एक दिन ऐसा आएगी तुमको भी मेरी तरह कैंसर का दर्द सहना होगा, तुम भी कैंसर से पीड़ित हो जाओगे। इसके जवाब में रामकृष्ण देव ने कहा कि पिताजी, कविराज ने आपको पानी पीने से मना किया है, इसीलिए मैंने आपको पानी नहीं पीने दिया, आप फालतू में मुझसे नाराज हो रहे हैं। यह सुनकर ठाकुर के पिता खुदीराम स्तब्ध रह गई और बोले, हाय राम, ये मैंने क्या कर बैठे, अब तुझको क्या होगा गदाधर। ठाकुर मुस्कुराई और बोले, मैं तो ब्राह्मण का बेटा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, पिताजी आप चिंता मत करिए। हालांकि रामकृष्ण देव ने ऐसा कहा था, लेकिन वास्तव में ठाकुर को कैंसर से जूझना पड़ा था। थ्रोट कैंसर के वजह से ठाकुर रामकृष्ण 16 अगस्त 1886 में दक्षिणेश्वर का पुण्य भूमि पर उनकी पत्नी माता शारदा देवी पर सब कुछ आदर्श भाव द्वारा सौंप कर परलोक गमन की थी। क्योंकि सृष्टि के नियम का अनुसार अगर कोई सच्चा ब्राह्मण किसी को श्राप देते हैं तो वो विफल नहीं होता। आप जान लीजिए माँ काली पूरा ब्रह्मांड की माता होकर भी क्यों अपने संतान रामकृष्ण को कैंसर से नहीं बचा पाई। क्योंकि माँ काली भी सृष्टि से ऊर्ध्व नहीं है, सृष्टि से आगे कोई नहीं है, इंसान की तरह भगवान भी सृष्टि के नियम से बंधित है, इसीलिए माँ काली रामकृष्ण देव की कैंसर ठीक नहीं कर पाई। अपने संतान की कष्ट देखकर माँ सिर्फ रोते गई परंतु कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि जगत संसार की नियमों के अंदर माँ की शक्ति भी बंधित थी। दोस्तों आशा करता हूँ कि रामकृष्ण परमहंस देव की कैंसर को लेकर आप लोगों का सभी डाउट क्लियर हो गई। ठाकुर रामकृष्ण के बारे में अगर आप और भी कहानी जानना चाहते है तो कमेंट करिए, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही रहस्यमय वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेगी। जय ठाकुर माँ स्वामी जी, जय हर पार्वती।